दुकान ते काम करने वाले नौकर ने ही अपने मालक दा कतल कर दिता। दस दिए कि दोवां दे विचाले सैलरी नूं लैके विवाद होया सी ते विवाद इस कदर वध गया कि घर दे विच वड़ के नौकर ने पहला तां अपने मालक दा कतल कर दिता ते फिर उस तों बाद दे विच इकल्ला ही अपनी दुकान नूं चलाउंदा रहा। हालांकि लोग जदों मालक बारे पुछदे सी तां उह इधर उधर जाण दा कह के हवाला दे के दुकान नूं इकल्ला ही चलाउंदा रहिंदा सी। पर कहा जा रहा है कि जदों एक घर दे विचों काफ़ी ज़्यादा बदबू आउण लगी तां उस तों बाद गुआंढियां ने पुलिस नूं शिकायत की तां अंदर वड़ के जदों देखिया तां एक डेड बॉडी पई सी जो कि काफ़ी ज़्यादा डीकंपोज होनी भी शुरू हो गई सी, जिस तों बाद उसकी पहचान उस दुकान के मालक वजो हुई, जिस तों बाद यह नौकर मौके तो फरार हो जाता है। हालांकि जिवें ही पुलिस नूं नौकर दे पिंड दा पता मिलता है, पुलिस जाके मौके दे उत्ते जदों छापेमारी करती है तां नौकर नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। नौकर ने कहा जा रहा है कि अपना जुर्म भी कबूल लिया तो दसिया है कि सैलरी के पिछे ही उन्होंने विवाद होया सी। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें मालिक का जो है गला काटकर हत्या कर दी गई है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 6 जुलाई 2024 को सूचना प्राप्त हुई थी कि सिरना सोसाइटी में जो फ्लैट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी स्मेल आ रही थी। तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाज़ा खोल के देखा तो एक काफ़ी डिकम्पोज बॉडी जो काफ़ी गली सड़ी हालत में थी वो अंदर दिखाई दी। और पूछताछ या पता करने के बाद पता चला कि ये श्रीमान राजीव ओझा जी का मृत शरीर है, इनकी बेटी के द्वारा बताया गया। और पता लगा कि ये अपने फैमिली से अलग रहते थे और उन्होंने उसी कंपाउंड में एक शॉप रेंट पर ले रखी थी। और गहनता से पूछताछ करने पे, तफ्तीश तहकीकत करने पे पता चला कि इनका जो नौकर था जो उनके साथ शॉप में काम करता था वो कुछ दिनों से पिछले 4-5 दिनों से शॉप का सामान बेच रहा था। जैसे मान लीजिए जो भी सामान शॉप में था वो बेच रहा था, तो इससे थोड़ा शक बढ़ा और नौकर के बारे में पता करा नौकर कहाँ का रहने वाला है। और हमारी टीम वहाँ गई तो नौकर को अरेस्ट किया गया, अर्जुन नाम का नौकर है और इनको अर्जुन कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी गांव बरौली खैरगढ़ जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इस प्रकार इनकी पहचान हुई है। और इन्होंने बताया कि भाई इनका कुछ विवाद था सैलरी वगैरह को लेकर जिस कारण से इस वारदात को अंजाम दिया। सर, क्या है इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है जिस तरीके से ये जिसने हत्या की? नहीं, देखिए हमने ऐसे जैसे सर्च करा, इनके खिलाफ पहले तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, परंतु और अगर कहीं किसी थाने में कोई कंप्लेंट हो, चाहे गुड़गांव में, गुड़गांव के किसी बाहर थाने में कोई कंप्लेंट हो तो पूछताछ की जा रही है और थानों से भी पता कराया जा रहा है कि कहीं कंप्लेंट तो नहीं है। एक सर उस पर कर लें।